हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का चैप्टर वाइज सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी स्ट्रेटजी रहती है किसी भी विषय में हम पाठ्यचर्या के अनुरूप सिलेबस लेते हैं, उसमें चैप्टर वाइज हम वीडियो बनाते हैं, यानी एक चैप्टर को हम पूरे एक वीडियो में फिनिश करते हैं। तो आपका जो काम है, मैं हमेशा वही जो बताता हूँ, एक कॉपी और आपको अपना पेन लेकर के चलना है। जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, जो डायग्राम आपके बनाने लायक हैं, उनको बनाते हुए सारे पॉइंट्स लिखते चलना है, ताकि समझ आने के साथ साथ आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएं। और वो नोट्स ना सिर्फ परीक्षा में रिवीजन के काम आएंगे, बल्कि आगे चल के जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो उसमें भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए बिना देरी शुरुआत करते हैं। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो पहला चैप्टर है, वो विषय परिचय को लेकर के है। इसमें आप देखिए कि ऑटोमोबाइल एंड इट्स डेवलपमेंट, यानी ऑटोमोबाइल क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, कौन कौन से ऑटोमोबाइल इंडिया में बनते हैं, उनके निर्माता यानी मैन्युफैक्चरर के नाम और उनकी लोकेशन, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनकी लोकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स का वर्गीकरण, लेआउट ऑफ चेसिस, चेसिस जो होती है उसका लेआउट, टाइप्स ऑफ ड्राइव्स, फ्रंट व्हील, रियर व्हील, फोर व्हील ड्राइव क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, यानी इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स का आपको परिचय बताना है क्या होता है, गवर्निंग ऑफ फ्यूल क्या होता है, कार्बोरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल होता है ECM, वो क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल ओवरहेड कैम, सिंगल ओवरहेड कैम, ट्विन कैम, 16 वाल्व टेक्नोलॉजी इन फोर सिलेंडर इंजन, ये है। तो आइए बिना देरी की शुरुआत हम कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ऑटोमोबाइल पे हम बात करें, ऑटोमोबाइल से हम सभी परिचित हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आता है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो जिससे हम चलते हैं, थ्री व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ट्रक हैं, बसें हैं, रोड पर हमको आते जाते दिखते हैं, सवारी ढोने का काम करते हैं और या तो फिर माल ढोने का काम करते हैं। तो आइए, ऑटोमोबाइल की सिंपल सी परिभाषा है। तो ऑटोमोबाइल क्या है, एक पहिए वाला वाहन है, एक पहिए वाला नहीं, पहियों वाला वाहन है, जो यात्रियों या माल को लाने या ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि ऑटोमोबाइल पहियों वाला वाहन है, जो यात्रियों या माल को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे आते हैं, मैंने जैसा उदाहरण से बताया, हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है तो हम सभी जानते हैं। इसमें दो पहिया वाहन यानी टू व्हीलर जो बाइक होती हैं वो आती हैं, जो कार हैं वो आती हैं, ट्रक आते हैं, बस आते हैं, जो थ्री व्हीलर जो चलते हैं आपको सवारी ढोने का काम करते हैं वो आते हैं, सभी तरीके के व्हीकल्स वाहन इसमें आते हैं ऑटोमोबाइल में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं। तो ये क्या है, ऑटोमोबाइल में एक विशेष चीज क्या होती है, एक इंजन द्वारा संचालित होता है जो पहियों को घुमाता है, यानी पहियों को पावर देता है। और ऑटोमोबाइल आमतौर पर एक ढके हुए डिब्बे के रूप में होता है, जिसमें यात्रियों या माल के लिए जगह बनी होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर लेते हैं जो ऑटोमोबाइल का संक्षिप्त इतिहास है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बहुत पहले हम नहीं जाएंगे, जो वास्तव में जब जो ऑटोमोबाइल जिसको बनने का श्रेय दिया जाता है वो कार्ल बेंज को जाता है, तो वहां से हम शुरुआत करेंगे और आगे तक के लिए देखेंगे। तो आविष्कार की बात करें तो ऑटोमोबाइल का इतिहास 19वीं सदी के अंत तक जाता है, जब कार्ल बेंज को 1885 और 86 में पहली वास्तविक ऑटोमोबाइल बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो कार्ल बेंज थे, उन्होंने 1885 में पहली ऑटोमोबाइल तैयार की थी, जो कि एक तीन पहिया के रूप में थी, जो मैं आपको यहां दिखाता हूं, और उन्होंने उसका पेटेंट भी कराया था। तो 1986 में उन्होंने क्या किया था, बेंज पेटेंट मोटर वैगन, उन्होंने अपने नाम पर इस मोटर वैगन का पेटेंट कराया था 1886 में। तो ये समय ध्यान रखना है, 1885 और 1886 में कार्ल बेंज ने ये क्या किया था, इसको मोटर वैगन को अपने नाम पे पेटेंट कराया था, इसका पूरा मॉडल तैयार किया था। तो कार्ल बेंज ने जो अपना पेटेंट मोटर वैगन है उसका आविष्कार किया, जो एक तीन पहिया वाहन था, उसमें तीन पहिया थे और गैसोलीन से चलने वाले यानी पेट्रोल से चलने वाला एक आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन उसमें उपयोग किया गया था, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो देखिए, एक दो तीन पहिए, इसमें पीछे आप देखें पूरा जो सिस्टम है, जो इंजन है पूरा, वो सब पीछे लगा हुआ है, बैठने के लिए सीट बनी है। तो ये कार्ल बेंज ने सबसे पहले जिसको वास्तविक ऑटोमोबाइल इसको माना जाता है, उसके पहले भी बहुत सारे जैसे भाप से चलने वाले इंजन बनाए थे और भी बहुत सारे बनाए थे, लेकिन वास्तव में जो ट्रू ऑटोमोबाइल बनाने का श्रेय है वो कार्ल बेंज को जाता है। और पहला जो ये आपका मॉडल है ऑटोमोबाइल का, वो कुछ इस तरीके से देखने में दिखता था। फिर उसके बाद उसका क्रमिक रूप से विकास होता चला गया, फिर चार पहिए में आने लगे और उसमें तरह तरह के संशोधन होते गए, डिजाइन बदलते गए। उसके बाद हम बात करते हैं फोल्ड की। फोल्ड आप सभी ने नाम जरूर सुना होगा, फोल्ड के ट्रैक्टर्स आते थे, फोल्ड की कार आती थी। तो फोल्ड जो थे, उन्होंने 1913 में असेंबली लाइन के प्रारंभ के साथ, हेनरी फोर्ड नाम था उनका,
उन्होंने ऑटोमोबाइल उत्पादन में क्रांति ला दी, जिससे अधिकारें अधिक किफायती और सुलभ हो गई। आप सभी जानते हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है तो असेंबली लाइन होती है, यानी सिस्टमेटिक तरीके से क्रमशः कार बनती हुई है, निर्माण का एक तरीका है, असेंबली लाइन होती है। तो इसका श्रेय जाता है हेनरी फोर्ड को, उन्होंने ऑटोमोबाइल के लिए असेंबली लाइन प्रारंभ की और बहुत बड़ी मात्रा में कारें बनाना प्रारंभ कर दी, जिससे किफायती हो गई और सुलभ हो गई, आसानी से सबको मिलना प्रारंभ हो गई। उसके बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन और मॉडल टी के नाम से एक जो कार बनाई थी 1908 में पेश किया गया, फोर्ड मॉडल टी पहली कार थी जिसे बड़े पैमाने पर बनाया गया, यानी जो पहली जो फोर्ड ने बनाई थी वो मॉडल टी कार थी जिसका बृहद उत्पादन किया गया था 1908 में, जिसने ऑटोमोबाइल के व्यापक अपनाने में योगदान दिया, यानी व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार हुआ। जनरल मोटर्स एक बहुत बड़ा नाम लिया जाता है। 1908 में स्थापित जनरल मोटर्स ऑटोमोबाइल उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा। उसने इनोवेटिव यानी नवाचार और विविध कार मॉडल पेश किए, यानी उसने इनोवेशन शुरू किया, कार में तरह तरह की नई तकनीकें लगाना और मॉडल अलग अलग तरीके के बनाना प्रारंभ किए, जिससे एक बहुत बड़े मतलब एक टक्कर देने वाले जो हो तो जनरल मोटर्स के रूप में उसमें प्रारंभ हुआ। उसके बाद जब विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तो ऑटोमोबाइल का जो उत्पादन है धीमा हो गया, लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद फिर से वो वही बहुत तेजी से इस पे ऑटोमोबाइल बनना और इस पे कार होना प्रारंभ हो गया। उसके बाद 1950 से 60 के दशक की अगर हम बात करें तो वो डिजाइन का युग माना जाता है, जिसमें कार डिजाइन का एक प्रमुख फोकस बन गया। इसमें जो है तो 1950-60 के दशक में प्रतिष्ठित शैली और नवाचार देखे गए, जिसमें टेलीफेंस और मसल कार शामिल है, यानी तरह तरह के नवीन जो कार के मॉडल्स नई नई शैलियों में देखने को मिले 1950 से 1960 के दौरान। उसके बाद 1970 में तेल का संकट रहा, तेल संकट ने ईंधन दक्षता, छोटी कारों और वाहनों के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास की ओर अग्रसर किया। बात यही, जब तेल संकट 1970 में हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों के अलावा भी नए हमको ऐसे ऊर्जा के स्रोत तलाशने चाहिए जिससे कार को चलाया जा सके, जिसने बाद में जैसे इलेक्ट्रिक कारें आने लगी, सोलर से चलने वाली कार आने लगी और इस तरीके से हाइब्रिड कारों का विकास हुआ, तो इस ओर ध्यान आकर्षित किया और वहां से काम शुरू हुआ। जापानी प्रभाव, जापान का एक बहुत बड़ा रोल इसमें माना जाता है। 1970 और 80 के दशक में जापानी वाहन निर्माताओं में विशेष तौर से जो टोयोटा की कार आती है, आपने देखा होगी होंडा की कार आती है, बहुत ही प्रतिष्ठित कार निर्माता माने जाते हैं, तो ये जापानी कंपनियां थी। इन्होंने टोयोटा और होंडा ने प्रमुखता हासिल की वाहन बनाने में और जो विश्वसनीयता और ईंधन दक्षता पर विशेष रूप से जोर देते थे, तो जापानी प्रभाव इसमें बहुत रहा। 1970 और 80 के दशक में ये टोयोटा और होंडा जो है तो मार्केट में आ गई थी और इन्होंने ये जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो बनाना प्रारंभ कर दिए थे और ये विश्वसनीय थी और ईंधन दक्षता पर जोर देती थी। उसके बाद 1980 से 90 का जो युग आया वो कंप्यूटरीकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स पर, पहले पूरी तरीके से जो कार्स बनती थी वो मैकेनिकली आधारित थी, जैसे डोर वगैरह। अब आजकल आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आधार, बस बटन प्रेस किया और सीधे हो गया काम, तो बहुत सारे सेंसर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, कंप्यूटराइज्ड जो उपकरण है वो उपयोग होने लगे हैं आजकल जो कार आती। तो ये 1980 से 90 का जो दशक था उसमें कारों में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के बढ़ते एकीकरण ने सुरक्षा में, दक्षता में और प्रदर्शन में काफी सुधार किया कारों में। उसके बाद पर्यावरणीय चिंताएं शुरू हो गई 21वीं सदी में कि ये जो इससे जो इमिशन यानी धुआं निकल रहा है वो पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहा है, इसमें तरह तरह की जहरीली गैसें हैं। तो 21वीं सदी में फिर पर्यावरणीय स्थिरता पर बढ़ते जोर ने हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास को प्रेरित किया। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक वाहनों में ई रिक्शा तो आपने देखे होंगे, इलेक्ट्रिक कार्स भी आने लगी हैं और इसके अलावा हाइब्रिड कार्स आने लगी हैं, बसें आने लगी हैं, इलेक्ट्रिक बसेस चलने लगी हैं, सिटी बस जिसको हम कहते हैं, हाइब्रिड बसेस चलने लगी हैं। तो ये पर्यावरणीय चिंताएं जो 21वीं सदी में आई, लोगों ने समझा उसको और कहा कि नहीं भाई ये पेट्रोल डीजल के अलावा भी हमें दूसरी ओर जाना पड़ेगा, जिनसे उत्सर्जन कम होता हो, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाती हो। तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रिक कार्स भी आना, जो चार्जिंग के आधार पर बैटरी चालित थी, चार्ज कर लेते थे और वो उसमें आसानी से चलती हैं। इसके अलावा और जो रिसेंट हुए, जैसे गूगल कार का आपने नाम सुना होगा, ऑटोनॉमस कार मानी जाती है कि उसमें ड्राइवर की भी आवश्यकता नहीं, कनेक्टेड कार होती है जो आपके मोबाइल फोन से कनेक्टेड हो जाती है, तो ये ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त और कनेक्टेड कार भी आनी प्रारंभ हुई, इस पर काम शुरू हुआ ऑटोनॉमस एंड कनेक्टेड कार। तो हाल के वर्षों में जो ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक है और कनेक्टेड वाहनों में प्रगति देखी गई है और परिवहन के भविष्य को ये आकार दे रही है कि भविष्य जो कार का है वो क्या होने वाला है, आप इसको देख सकते हैं। तो वेमो की ये देखिए कार दिख रही है जो
गूगल कार पहले नाम से आती थी, तो ये वेमो कार जो है, तो ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से, तो ये ड्राइवर लेस ये कार है, और इसमें आप देखिए कि ये ऑटोनोमस कार जिसको हम बोलते हैं, तो ये इस पे बहुत इस समय रिसर्च चल रही है, काम चल रहा है और इसका परीक्षण भी किया जा रहा है काफी समय से। तो इस तरीके से आपने देखा पूरी हिस्ट्री पर प्रकाश डाला। हिस्ट्री में सबसे पहला जो आपने देखा वो कार्ल बेंज का नाम से शुरुआत होता है। कार्ल बेंज ने 1885 से 86 में पहली वास्तविक ऑटोमोबाइल बनाने का श्रेय लिया और उन्होंने एक पेटेंट मोटर वैगन का निर्माण किया जो गैसोलीन वाले इंटरनल कंबसन इंजन से चलती थी, तीन पहिए उसमें होते थे, इस तरीके से कुछ दिखती थी, और उसके बाद फिर कारों का इसमें क्रमिक विकास होता चला गया, फिर चार पहिए बने, फिर वो पूरा वो कवर होने लगा, फिर और भी चीजें उसमें बढ़ी, इस तरीके से चलनी गई। असेंबली लाइन में जो कारें बनाने का श्रेय जाता है वो जाता है फोर्ड को। 1913 में उन्होंने असेंबली लाइन के साथ कार का बृहद उत्पादन शुरू किया जिससे किफायती सुलभ हो गई, और एक फोर्ड ने जो 1908 में टी मॉडल जो मॉडल टी प्रस्तुत किया था उसने अपना बहुत बृहद योगदान दिया। जनरल मोटर्स ने जो 1908 में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उतरा और उसने नवाचार और विविध कार मॉडल प्रस्तुत किए लोगों के सामने। उसके बाद हम बात करते हैं जो डिजाइन का है, तो 1900 ये आपका 50 से 60 के दशक में डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया गया, तरह तरह के डिजाइन इसमें बनाए गए। जापानी प्रभाव बहुत है, टोयोटा और होंडा जैसे जो मैन्युफैक्चरर हैं, कार निर्माता है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत इन्होंने नई नई तरीके की विश्वसनीय और ईंधन दक्षता पर जोर देने वाली कारों का निर्माण किया। 80-90 के दशक में कंप्यूटराइज्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत आयत से प्रयोग होने लगा और ये कंप्यूटराइज्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण युक्त कारें जो है तो बनना प्रारंभ हुई, और 21वीं सदी में पर्यावरण चिंताओं को देखते हुए और ईंधन की चिंताओं को देखते हुए ये हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों पर काम शुरू हुआ, विकास किया गया और मार्केट में आने भी लगी है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम आगे बात करेंगे, कॉस्टली बहुत है तो लोग अभी अफोर्ड हर कोई नहीं कर पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा समय आएगा जब इलेक्ट्रिक कार ही यहाँ पर दौड़ेंगी और सब लोग इलेक्ट्रिक कार खरीदना प्रारंभ करेंगे। स्वायत्त और कनेक्टेड वाहन जैसे गूगल कार थी, ऑटोनोमस कार माना जाता है, कनेक्टेड व्हीकल जो आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाती हैं, ये इन पे परीक्षण और कार बहुत तेजी से चल रहा है और आगे फ्यूचर आप देखेंगे कि इन्हीं इस तरीके की कारों का ही होने वाला है। ऑटोमोबाइल के मुख्य पार्ट्स की बात करें तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि या तो हम बाइक चलाते हैं या हमारे घर पे रखी देखी होती कार भी होती है, आसपास हम रोज देखते हैं, तो कौन कौन से मुख्य भाग, एक तो इंजन होता है, तो इंजन में ऑटोमोबाइल को चलाने वाला भाग होता है जनरली इंटरनल कंबसन इंजन होता है, जो इलेक्ट्रिक कार आने लगी उसमें बैटरी आधारित होता है सिस्टम पूरा। दूसरा होता है आपका ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब इंजन से जो पावर मिलती है पहियों तक वो पावर को स्थानांतरित करने वाला भाग। ट्रांसमिशन का काम क्या है, इंजन से हमको पावर जनरेट हुई शक्ति, उस शक्ति को पहियों तक स्थानांतरित करना है ताकि पहिए चले, तो वो कहलाता है ट्रांसमिशन। तीसरा होता है आपका एग्जॉस्ट सिस्टम, इंजन से जो निकलने वाले धुएं और गैसों को बाहर निकालने वाला भाग वो एग्जॉस्ट सिस्टम कहलाता है, यानी आप जब फ्यूल जलता है और उसको बाहर निकालना है तो वो पूरा सिस्टम कहलाता है एग्जॉस्ट सिस्टम। अगला है सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम से मतलब उसमें जो झटके हैं उनसे बचाव के लिए, वाइब्रेशन से बचाव के लिए जो स्प्रिंग वगैरह लगी होती हैं, कमानी जिसको हम कहते हैं, उस वो आता है सस्पेंशन सिस्टम में। तो ऑटोमोबाइल को सड़क के झटकों से बचाने वाला भाग वो सस्पेंशन सिस्टम में आता है। स्टीयरिंग सिस्टम आप सभी जानते हैं, मोड़ने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए दाएं ले जाना है बाएं ले जाना है कैसे चलाना है वो स्टीयरिंग कहलाता है, तो मोबाइल को नियंत्रित करने वाला भाग कहलाता है स्टीयरिंग। अगला है आपका ब्रेक प्रणाली, ब्रेक आप सभी जानते हैं ऑटोमोबाइल को रोकने वाला भाग होता है, ब्रेक लगा के हम रोक सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं। वाह भाग एक्सटीरियर जो बाहरी जो हमको कार का दिखाई देता है, बॉडी होती है, खिड़कियां दरवाजे टायर होते हैं, वो एक्सटीरियर में आता है वाह भाग में। आंतरिक भाग में बहुत सारी चीजें होती हैं, आंतरिक इसमें सीटें आती हैं, स्टीयरिंग व्हील हो गया, पैडल हो गए, इंस्ट्रूमेंट पैनल हो गए, वो पूरा जो कार के अंदर हमको दिखाई देता है वो इंटीरियर यानी आंतरिक भाग में आता है। तो ये सभी तो नॉर्मल है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हैं, तो हम सब जानते हैं ऑटोमोबाइल के मेन पार्ट्स में इंजन होता है, उसका ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, पावर को आप इंजन से और वहां पहियों तक ट्रांसफर करने के लिए एग्जॉस्ट प्रणाली होती है धुएं और गैसों को बाहर निकालने के लिए सस्पेंशन प्रणाली, स्प्रिंग वगैरह लगे होते हैं उनको झटकों से बचाने के लिए, स्टीयरिंग सिस्टम होता है ऑटोमोबाइल को नियंत्रित करने के लिए, ब्रेक प्रणाली होती है ऑटोमोबाइल को रोकने या धीमा करने के लिए गति को, एक्सटीरियर जो वायर रूप से उसकी बॉडी खिड़कियां दरवाजे टायर होते हैं, आंतरिक में वही सीटें स्टीयरिंग व्हील पैडल जो पैनल दिखाई देता है वो सब आपका इंटीरियर में आता है। अब टेक्नोलॉजी की आजकल बात करें तो ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी लगातार विकसित हो रही है, कुछ विकसित अगर विकास पर हम बात करें तो हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का बहुत तेजी से विकास हुआ है, ये वाहन कम प्रदूषण और अधिक ईंधन दक्षता यानी इफिशियंसी इनकी बहुत ज्यादा होती है, प्रदूषण
तो है ही नहीं, इनमें हाइब्रिड है तो है ही नहीं। अगर हाइब्रिड है तो उसमें अगर वो चल रहे हैं उससे ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत कम हो गया। इलेक्ट्रिक वाहनों में है ही नहीं, क्योंकि उसमें परंपरागत जो ईंधन है यानी कि डीजल पेट्रोल है वो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। तो इससे वाहन प्रदूषण जो है वो कम हुआ है और ईंधन को दक्षता अधिक प्राप्त होती है। स्वचालित वाहन, सेल्फ ड्राइविंग, ये मानव वाहन चालक के बिना संचालित होते हैं। अभी बताया था आपको, जैसे गूगल कार शुरू किया था तो वो अपने आप चलती थी, उसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसमें बहुत रिसर्च हुआ, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। कनेक्टेड कार्स होती हैं, वाहन अन्य वाहनों, स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, ये कनेक्टेड कार कहलाती हैं। तो ये बहुत काफी समय से इस पे, इन सब कार्स में और वाहनों में विशेष तौर से कार्य चल रहा है। और आजकल तो इलेक्ट्रिक बसें आप जानते हैं, देखिए आसपास आप देखेंगे तो शहरों में बसें इलेक्ट्रिक बसेस आने लगी हैं, जीरो इमिशन, उनमें कोई पेट्रोल डीजल इस्तेमाल नहीं होता है, सिटी में चलती हैं। आप बड़े बड़े शहरों में कहीं देख लेंगे, और छोटे शहरों से भी बड़े शहरों को कनेक्ट करने के लिए आजकल चलने लगी हैं। ऑटोमोबाइल के लाभ की बात करें, एडवांटेजेस की, तो परिवहन की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जब चाहे हम परिवहन कर सकते हैं, जब चाहे माल लेकर के चल सकते हैं। बाइक उठाई, हमें हॉस्पिटल जाना है तुरंत चले गए, किसी काम से जाना है तुरंत चले गए। लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाते हैं, भाई तेज स्पीड से चलते हैं, बहुत लंबी लंबी दूरियां कवर कर लेते हैं बहुत कम समय में। काम पर जाने और दोस्तों परिवार से मिलने में मदद करते हैं। काम पर आपको आने जाने के लिए लोग ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करते हैं, यही ऑटोमोबाइल्स का, दोस्तों से परिवार से मिलने के लिए करते हैं। अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं, बहुत बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था का ये ऑटोमोबाइल से रिलेटेड होता है। तो ये कुछ लाभ हैं जो कुछ देते हैं, लेकिन दूसरा पहलू भी है, कुछ ना कुछ अलाभ और हानियां भी हैं। अब आप सभी जानते हैं जो प्रमुख जो धुआं निकलता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं, वो वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनते हैं। सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। पार्किंग की समस्या, बड़े बड़े शहरों में आप देख लीजिए क्या स्थिति है, जगह नहीं मिल रही है गाड़ी पार्क करने के लिए। बहुत ज्यादा वाहन होने से, ऑटोमोबाइल्स होने से पार्किंग की समस्या हो रही है, और ईंधन की लागत का कारण बनते हैं। पैसा भाई, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, तो कहीं ना कहीं उसकी लागत हमारे जेब पर पड़ती है, तो कहीं ना कहीं उसका लागत भी हमारे उस पर, ईंधन की लागत का कारण भी ये बनते हैं ऑटोमोबाइल, कहीं ना कहीं पैसा हमारा उसमें खर्च होता है। तो ये अलाभ हम कह सकते हैं, कुछ प्रदूषण का कारण, सड़क दुर्घटनाओं का कारण, पार्किंग की समस्या और ईंधन की लागत का कारण, ये कुछ अलाभ या डिसएडवांटेजेस हैं ऑटोमोबाइल्स के, जो हम कह सकते हैं। अब बात आती है वर्गीकरण की। वर्गीकरण की तो हम निम्न आधारों पर, कई आधार हैं जिनके आधार पर हम ऑटोमोबाइल्स को वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला तो ईंधन के प्रकार के आधार पर, कौन सा ईंधन, डीजल यूज हो रहा है तो डीजल ऑटोमोबाइल कहेंगे, अगर पेट्रोल यूज हो रहा है तो पेट्रोल आधारित, बिजली से चल रहा है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कहेंगे। तो बस यही ईंधन के फ्यूल टाइप यानी ईंधन प्रकार के आधार पर हो जाएगा आपका पहला, पेट्रोल चालित यानी आंतरिक दहन इंजन जो पेट्रोल पर चलते हैं उसका जो इंजन लगा है, डीजल चालित जो आंतरिक दहन इंजन जो डीजल पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक बैटरियों द्वारा संचालित होते हैं, और हाइब्रिड में इलेक्ट्रिक बैटरी और ये जो आपका इंटरनल कंबसन इंजन होता है दोनों को कंबाइन कर देता है, यानी दोनों का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो बेहतर ईंधन दक्षता के लिए आंतरिक दहन इंजनों को इलेक्ट्रिक शक्ति के साथ जोड़ करके ये काम करता है, यानी इसमें इंटरनल कंबसन इंजन भी यूज होता है और इसमें इलेक्ट्रिक वाला भी पार्ट बैटरी इस्तेमाल होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि ईंधन के आधार पर या फ्यूल टाइप के आधार पर पेट्रोल चालित, डीजल चालित, विद्युत वाहन यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड व्हीकल्स में इसमें हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। दूसरा, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब यात्रा करना है, माल की ढुलाई करना है, या हमको कुछ एडवेंचर या कुछ पहाड़ों पे या नदियों पे या कोई ऐसी जगहों में जाके एडवेंचर करना है, तो ये हमारा उद्देश्य क्या है। तो यात्री का मेन है व्यक्तिगत परिवहन के लिए डिजाइन की, मतलब पर्सनल, हमें अपने अकेले या परिवार के साथ कहीं जाना है तो हम अपनी कार उठाई, पर्सनल कार कहते हैं, छोटी कार्स होती हैं व्यक्तिगत परिवहन के लिए डिजाइन के। ट्रक है, ये सामान ले जाने के लिए खुले कार को क्षेत्र, बड़े बड़े ट्रक आप सब जानते हैं। तो ये उद्देश्य क्या है, माल को ढोना है, पैसेंजर बहुत बड़े लेवल पर ढोना है तो बस हो गई हमारी, छोटे लेवल पर हमें पर्सनल यूज करना है तो पैसेंजर कार हो गई, यात्री कार या पर्सनल कार हो गई, वैन हो गई जो मतलब मीडियम साइज की होती है, बड़े वाहन जिन्हें सामान्य लोगों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है, और स्पोर्ट्स कारें होती हैं गति और चपलता के लिए डिजाइन किए गए उच्च प्रदर्शन वाले वाहन, स्पोर्ट्स कारें SUVs कहते हैं, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, आपने देखे होंगे ग्राउंड क्लियरेंस काफी ऊपर रहता है, आप रोड के ऊपर सड़क में, खराब सड़क में भी ले जाएंगे, पहाड़ों में उधर इधर उधर रेगिस्तानी जगहों में तो वहां पर भी बढ़िया चलती हैं। तो ये उद्देश्य हमारा क्या है, इसके आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं।
आकार कैसा है, बहुत बड़े बड़े जैसे बस आती हैं और ट्रक बहुत बड़े बड़े आते हैं, छोटे हैं कॉम्पैक्ट, छोटी जगह कम घेरती हैं जैसे छोटी छोटी जो कार्स आती हैं, तो आकार के आधार पर हम कह सकते हैं कॉम्पैक्ट छोटी जगह और कुशल कारें होती हैं, बिल्कुल छोटी बहुत कम जगह घेरती हैं और बहुत कुशल होती हैं। मध्यम आकार के भी आते हैं, कॉम्पैक्ट और फुल साइज कारों के बीच के मीडियम साइज वो करते हैं, बहुत बड़े वाहन और छोटे वाहनों के बीच का आकार होता है। फुल साइज में आती हैं बड़ी कारें जो अधिक जगह और अक्सर अधिक सुविधाएं प्रदान करती हैं, बहुत बड़े बड़े कार जैसे आपने फिल्मी जो फिल्म स्टार्स वगैरह हैं इस्तेमाल करते हैं तो बड़े बड़े उनमें बहुत अंदर स्पेसेस होता है, तो फुल साइज के वाले भी आते हैं आजकल। तो आकार के आधार पर कॉम्पैक्ट मध्यम आकार फुल साइज में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आपका फ्रंट व्हील ड्राइव है यानी आगे वाले पहियों को पावर मिल रही है कि पीछे वाले पहियों को पावर मिल रही है, रियर व्हील ड्राइव है या चारों पहियों को पावर मिल रही है, तो उसको कहते हैं ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन। तो फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, रियर व्हील ड्राइव होता है और ऑल व्हील ड्राइव होता है। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, सिर्फ आगे के दोनों पहियों को पावर दी जाती है इंजन की तरफ से, तो शक्ति आगे के पहियों को प्रेषित होती है। रियर व्हील ड्राइव नाम से पता चल रहा है कि शक्ति जो है वो पीछे के पहियों को भेजी जाती है यानी पिछले दोनों पहिए चलते हैं। ऑल व्हील ड्राइव में चारों पहिए ड्राइव होते हैं, जैसे AWD शॉर्ट में कहते हैं, जैसे मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं तो उसमें ज्यादा पावर जहां जरूरत होती है, ऊबड़ खाबड़ खराब रास्ता है, बहुत पावर की जरूरत है, पहाड़ में चढ़ना है, तो ऑल व्हील ड्राइव होता है, तो सभी पहियों को शक्ति वितरित की जाती है जिससे परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो ये क्या है, ऑल व्हील ड्राइव कहलाता है, मतलब चार पहिए जैसे कार में है तो चारों को शक्ति मिलती है, चारों पहिए ड्राइव होते हैं। तो फ्रंट व्हील ड्राइव को कहते हैं FWD यानी फ्रंट व्हील ड्राइव, आगे के पहियों के यानी फ्रंट व्हील्स को, फ्रंट मतलब आगे वाले पहिए, रियर व्हील ड्राइव मतलब RWD कहेंगे यानी पीछे वाले जो दोनों पहिए हैं उनको शक्ति पावर भेजी जाती है इंजन की तरफ से कनेक्ट करके, और ऑल व्हील ड्राइव मतलब चारों पहियों को पावर दी जाती है शक्ति, तो उसको ऑल व्हील ड्राइव कहते हैं। उपयोग के आधार पर हम कह सकते हैं व्यक्तिगत वाहन, हम व्यक्तिगत या पारिवारिक उपयोग के लिए कर रहे हैं तो व्यक्तिगत वाहन होंगे, छोटी छोटी कारें हो गई या कोई और इस तरीके का ऑटोमोबाइल बाइक हो गया। व्यावसायिक वाहन जो मतलब किराया लेकर के चल रही हैं, जैसे आप ले लीजिए बसें को आप उदाहरण ले लीजिए, तो बस में आप क्या कर रहे हैं, बस में आप बैठ रहे हैं, कमर्शियल वाहन है, आपने किराया देते हैं आप, वो आपको लगातार चलती रहती हैं, आपको अपने स्थान तक पहुंचा देती हैं। तो व्यावसायिक वाहन में जैसे ट्रक वगैरह भी आते हैं, सामान की ढुलाई आपको करना है तो व्यावसायिक रूप से कमर्शियली अवेलेबल हैं, आप ट्रक बुक कर लीजिए अपना सामान ले जाइए। तो व्यक्तिगत वाहन होते हैं उपयोग के आधार पर, व्यावसायिक वाहन, आपातकालीन वाहन भी होते हैं जैसे पुलिस की गाड़ियां हो गई, एम्बुलेंस की गाड़ियां हो गई, इनको डिजाइन अलग तरीके से किया जाता है तो ये आपातकालीन वाहन में आते हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स में। तो उपयोग के आधार पर हम किस तरह से व्यक्तिगत उपयोग में ला रहे हैं या कमर्शियली हम पैसा कमाने के लिए उसको मार्केट में चला रहे हैं, या हम इमरजेंसी व्हीकल्स के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं एम्बुलेंस के रूप में या पुलिस के गाड़ी के रूप में, तो वो आपातकालीन वाहन में आएंगे। टेक्नोलॉजी के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर हम उसको कर सकते हैं पारंपरिक यानी जो पारंपरिक ईंधन का उपयोग करते हैं, तो ये इंजन ईंधन को जलाने से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग करके पहियों को घुमाते हैं, सबसे आम होते हैं जो मार्केट में जितने वाहन चल रहे हैं कन्वेंशनल, ये तो पेट्रोल से या डीजल से चल रहे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन आने लगे हैं, ईवी कहते हैं उनको शॉर्ट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब ईवी, तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बैटरियों द्वारा संचालित होते हैं, वाहन ईंधन की खपत और प्रदूषण को कम करते हैं, सभी जन जैसे ई रिक्शा चलने लगे हैं। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन भी आते हैं आजकल, तो आंतरिक दहन इंजनों को रिचार्जेबल बैटरियों के साथ जोड़ना, तो इसमें आंतरिक दहन इंटरनल कम्बसन इंजन भी होता है, इसमें बैटरी भी लगी होती, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है यानी संयोजन होता है। ये वाहन पारंपरिक इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में अधिक रेंज प्रदान करते हैं, इफिशियंसी बहुत बढ़ जाती है, और लेकिन अभी उन्हें बीच बीच में भाई कोई ऐसी है तो ईंधन की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन कम ईंधन खर्च होता है, बैटरियों से भी काम चल जाता है, तो ये हाइब्रिड वाहन आजकल इस पर बहुत काम चल रहा है, और ये थोड़ा कॉस्टली पड़ते हैं लेकिन आगे चल के अगर सस्ते हो जाएंगे तो हर आदमी के पहुंच में आ जाएगा रेंज में। अगला है बॉडी टाइप, बॉडी इनकी कैसी है, सेडान ये जरूर पढ़ लीजिएगा आगे क्योंकि ये शब्द बार बार मिलेंगे। सेडान जो होती है, जो हम घरों के आसपास जो गाड़ियां जनरली देखते नहीं है गाड़ियां, इसमें तीन उस पार्ट में बढ़, आगे साइड इंजन है, बीच वाला आदमियों को बैठने के लिए, तो आगे पीछे दो सीटें लगी होती है, दो लाइन बनी होती है, और पीछे वाला जो एरिया होता है उसमें हम सामान रखने के लिए इस्तेमाल करें, डिग्गी जिसको कहते हैं, डिग्गी खोली सामान रख दिया, तो तीन अलग हिस्सों में जो बटा होता है, इस तरीके का जो कारों में सिस्टम होता है उसको कहते हैं सेडान, या सलून टाइप भी कई बार कहते हैं, सेडान का ही दूसरा नाम है सलून टाइप कार, मतलब ये तीन कंपार्टमेंट में बटा होता है, आगे वाला इंजन के लिए, बीच वाला दो रो बनी होती है जनरली तो वो यात्रियों को बैठने के लिए, और सबसे पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो आपका होता है सामान को रखने के लिए, जो हम जनरली देखते हैं अपने आसपास कारें, तो उनको क्या कहेंगे, सेडान या फिर सलून टाइप। तो आमतौर पर चार दरवाजे वाली कारें होती हैं जिनमें इंजन
यात्रियों और सामान के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, तो उसको कहते हैं सिडान, या इसी को सलून टाइप भी कहा जाता है। तो ये आपने देखा, आपका इसको कहते हैं सेडान या फिर इसको कहते हैं सलून टाइप। अगला होता है स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, ये एसयूवी शॉर्ट में कहते हैं, आपने नाम जरूर सुने होंगे। तो ये ऑफ रोड वाहन, मतलब जैसे खराब उबड़ खाबड़ रास्ता, रोड है, नदी का किनारा, पहाड़ों में चढ़ाना है, ये स्पोर्ट्स यूटिलिटी थोड़ा अलग तरीके की इनकी विशेषताओं के साथ आते हैं। और इनका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी पहिए बड़े बड़े होते हैं और जो जमीन से जो ऊंचाई आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा स्पेस रहता है, यानी ऊंचाई काफी अधिक होती है, ताकि उबड़ खाबड़ खराब रास्तों पर भी चल सके। आप देख रहे हैं उबड़ खाबड़ रास्ता है, कहीं पर भी चढ़ा ले जाओ। तो ये स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स या एसयूवी इनको कहते हैं। तो ये ऑफ रोड वाहन रोड पर तो चलते ही, ऑफ रोड पे भी चल सकते हैं। वैगनों की विशेषता थोड़ा ऊंचाई होती है और अक्सर ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये आते हैं, जैसे ये आप देख पा रहे हैं, या फिर ये इस तरीके की जो कार, जो जीप आती है कंपनी की, देखिए इसके बड़े बड़े पहिए, ग्राउंड क्लियरेंस काफी ज्यादा, और स्पोर्ट्स यूटिलिटी, चाहे जहां इसको चढ़ा ले जाइए, खराब उबड़ खाबड़ कैसा भी रास्ता हो, चलती हैं आराम से। अगली होती है कूप, ये सभी आपने देखी होंगी, दो दरवाजे वाली कारें, यानी जैसे आप कार असामान्य रूप से देखते हैं तो उनमें चार दरवाजे होते हैं, आगे की रो के लिए एक ड्राइवर साइड से खुलता है, एक दूसरे साइड, एक पीछे जो बैठते हैं तो वहां से दो दरवाजे होते हैं अगल बगल। तो ये जो कूप होती है, दो दरवाजे, इनमें सिर्फ पूरी कार में ही दो दरवाजे, देखिए एक दरवाजा ये लगा है और एक दरवाजा दूसरे साइड, तो इसमें इनको कहते हैं कूप। ये आपने जनरली सॉन्ग्स में, जनरली जैसे देखते हैं आप आजकल सॉन्ग जो टीवी में आप आते हैं, मोबाइल पे आप देखते होंगे, यूट्यूब में, उनमें सिर्फ दो दरवाजे कार में होते हैं, उनको कहते हैं कूप। तो ये होती है स्पोर्टी डिजाइन की होती है और इनमें सिर्फ दो दरवाजे होते हैं और एक ढलान वाली रूप, नई नई स्टाइल आजकल आने लगी है, उसको कहते हैं कूप। तो ये ध्यान रखिएगा, कूप किसको कहते हैं, जिसमें सिर्फ दो दरवाजे होते हैं, पूरी कार में चार दरवाजे नहीं होते हैं। अगली होती है कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल कन्वर्ट मतलब बदलना, जिसको, तो जैसे ओपन आपने देखा होगा जितनी भी कार होती है सब ढकी हुई कवर्ड होती है बॉडी उनकी, लेकिन ऐसी भी आती है जिनको हम चाहें तो ओपन कार बना सकते हैं, ओपन मतलब खुली हुई कार में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं पीछे, ये क्या है, अलग हो जाता है, आप बटन प्रेस करिए तो पूरा का पूरा छत, जो छत है उसकी कार की, वो पीछे जा करके वहां पर शिफ्ट हो जाती है, और जब जरूरत होती है तो ये खुल करके फिर से शिफ्ट हो जाती है, तो ये छत बन जाती है। तो मतलब कन्वर्टिकल का मतलब जिसको हम खुली छत और ओपन कार और खुली उसमें बदल सकें, ओपन और क्लोज कर सकें, तो उसको कहते हैं कन्वर्टिबल, यानी एक रिट्रैक्टेबल छत वाली कारें जो खुले या बंद ड्राइविंग अनुभव की अनुमति देती, जब चाहे खुला हम कर लें और जब चाहे बंद करें, तो खुली कार चलाना है तो इसको हटा देते हैं, ये पीछे आ जाता है सिस्टम और हम उसको खुली कार का आनंद लेते हैं, तो ये इसको कहते हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण टर्म आता है हैचबैक, इसको जरा समझना जरूरी है। हैचबैक कार्स क्या होती हैं, ये भी कॉम्पैक्ट कारें होती हैं, इनमें पीछे का ये जो डिग्गी जैसे होता है तो ऊपर की तरफ पूरा खुल जाता है, और जैसे उसमें तीन आपने देखे थे कंपार्टमेंट थे जो उसमें सलून टाइप की जो अभी ऊपर आपको दिखाया था, लेकिन इसमें क्या माना जाता है कि ये जो पीछे का जो सीट है, ये वाली पीछे की रो है, और ये जो सामान रखने का है, ये एक माना जाता है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको जैसे पीछे किसी को नहीं बैठाना है तो वो सीटें जनरली क्या होती है, फोल्ड हो जाती हैं, आप आगे कर दीजिए तो आपको सामान रखने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाएगा, या फिर आपको खाली बैठाने का काम करना है तो आप उसको सीटें शिफ्ट कर दीजिए तो बैठने का पूरा काम हो जाएगा, तो इनको कहते हैं हैचबैक्स। तो ये कॉम्पैक्ट कारें होते हैं जिनके पीछे एक दरवाजा ऊपर की ओर खुलता है और कार को छेद तक पहुंच प्रदान करता है, यानी ये पूरा ये जो है अलग से कंपार्टमेंट नहीं होता है, सिर्फ सामान रखने के लिए, ये चाहे आप सामान रखने के लिए बना लीजिए स्पेस, चाहे बैठने के लिए पूरा सिस्टम, फोल्डेबल सीटें लगी होती हैं पूरे के पूरे उसमें गाड़ी में, यानी ये जो पूरा हिस्सा है, ये वाला ये एक ही होता है, इनको कहते हैं हम हैचबैक। तो ये अब आपने देखा हैचबैक, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि बार बार टर्म प्रयोग होगा। तो कॉम्पैक्ट कारें जिनके पीछे एक दरवाजा ये ऊपर की तरफ खुल जाता है, आप चाहें तो यहां से अंदर जाकर के भी, यहां से जाकर सीधे बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहां से बैठे या यहां से बैठे, इनको कहते हैं हैचबैक्स। तो ये हो गए प्रकार, एक बार जल्दी से हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से, जो हमने इसको पढ़ा है, हमने कितने प्रकार पढ़े हैं इसको एक बार जल्दी जल्दी आप नोट्स बना लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। वर्गीकरण ईंधन के प्रकार के आधार पर, तो पेट्रोल चालित, डीजल चालित, इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड वाहन। उद्देश्य के आधार पर यात्री कारें, ट्रक, वैन, बसें, स्पोर्ट्स कारें। आकार के आधार पर कॉम्पैक्ट, मध्यम आकार, फुल साइज। ड्राइव कॉन्फिगरेशन के आधार पर फ्रंट व्हील ड्राइव हो सकता है, रियर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव होगा। उपयोग के आधार पर व्यक्तिगत वाहन, व्यावसायिक वाहन या आपातकालीन वाहन। टेक्नोलॉजी के आधार पर पारंपरिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन या प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन।
बॉडी टाइप के आधार पर ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सेडान जिसको कहते हैं उसी को सलून टाइप भी कहते हैं। इसमें तीन कंपार्टमेंट यानी आगे इंजन के लिए अलग होता है, बीच वाला जो है पूरा यात्रियों के लिए होता है, और सबसे पीछे वाला बिल्कुल अलग सेपरेट जो होता है कंपार्टमेंट वो किसके लिए, सामान रखने के लिए होता है। तो ऐसा शेप जिनका कार्स का होता है उनको सेडान या सलून टाइप बोला जाता है, ये इस तरीके से जैसे मान लीजिए। अगली एसयूवी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जो होते हैं ये मतलब ऑफ रोड कंडीशन के लिए डिजाइन किए जाते हैं, वैगन की विशेषता होती है और ग्राउंड क्लियरेंस काफी ऊंचा होता है, पहिए बड़े बड़े होते हैं। और ये जैसे जीप देख लीजिए, कू होती है जो दो दरवाजे वाली कार है कू बोलते हैं, कन्वर्टिबल्स होती है जिनकी छत जो खुली कार बन जाती है और बंद कार बन जाती है, मतलब छत जिनकी हम क्लोज और ओपन कर सकते हैं जब जरूरत चाहे, उनको कहते हैं कन्वर्टिबल कार। हैचबैक उनको कहते हैं जिनमें पीछे वाली जो रो होती है और जो कार्गो यानी सामान रखने वाला एरिया वो एक ही होता है, वो अलग कंपार्टमेंट नहीं होता है। चाहे तो पूरा हम सीट फोल्ड करके सामान रखने का बना लें स्थान, और चाहे तो पूरा बैठने का बना लें, इस तरीके का सिस्टम होता है, उनको कहते हैं हम हैचबैक। चलिए अब है भारत में निर्मित विभिन्न प्रकार के ऑटोमोबाइल्स, उनके निर्माता और उनकी विनिर्माण इकाइयों के स्थानों का विवरण आपको देना है, यानी आपको बताना है कि कौन कौन से ऑटोमोबाइल भारत में जनरली निर्मित हो रहे हैं, उनके निर्माता कौन है यानी कंपनी का क्या नाम है, और उनकी जो निर्माण जहां पर वो बन रही है उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो कहां किस राज्य में स्थित है, हैदराबाद में है कि हरियाणा में है, आपको ये बताना है। तो मारुति सुजुकी आप सभी ने नाम सुना होगा, हुंडई आपने नाम सुना होगा, होंडा की कार्स आपने नाम सुनी होगी, फोर्ड की कार्स आती है, ये सब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा आप सभी जानते होंगे। तो आइए एक एक करके एक टेबल बना लेते हैं। इस वाले सबसे पहले कॉलम में निर्माता का नाम है, किस कंपनी की ऑटोमोबाइल का प्रकार, किस किस तरीके के ऑटोमोबाइल बनाती हो, विनिर्माण स्थान यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उनकी कहां पर है। तो मारुति सुजुकी सबसे ज्यादा फेमस नाम है, आते जाते आपको हर दिन सड़क पर खड़े हो जाइए आपको सारी तरीके की कार दिख जाएंगी। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ये हैचबैक प्रकार की बनाती है, एसयूवी बनाती है, सेडान भी बनाती है। ठीक है बच्चों, तो ऑटोमोबाइल के किस किस प्रकार के मारुति सुजुकी बनाती है, हैचबैक, सेडान बनाती है, एसयूवी। इनका गुरुग्राम मानेसर यानी हरियाणा में एक प्लांट है और एक गुजरात में है। ज्यादातर आपको कंपनीज के यहाँ पे गुरु हरियाणा और गुजरात में जरूर मिलेंगे ज्यादातर यूनिट्स के कुछ अलग जगह की भी है वो भी हम देख लेते हैं। तो मारुति सुजुकी कहाँ, एक तो गुरुग्राम मानेसर हरियाणा में और एक गुजरात में भी इनका एक प्लांट है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड हुंडई कंपनी की कार है आपने नाम सुना, ये भी हैचबैक सेडान एसयूवी तीनों बनाती है। इनका तमिलनाडु में श्री पेरम्बदूर में इनका एक कारखाना है जहां पर ये सब कारें बनती हैं। तीसरा है टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स कॉम्पैक्ट कार बनाता है, सेडान बनाता है, एसयूवी और कमर्शियल बनाता है। आपने टाटा की बसें देखी होंगी, टाटा के ट्रक्स देखे होंगे, तो इसमें कॉम्पैक्ट कार के साथ सेडान और एसयूवी के साथ कमर्शियल भी जुड़ गया यानी व्यावसायिक वाहन भी ये बनाते हैं, ट्रक हो गया बसें हो गया, तो उसको टाटा मोटर्स का इनका पुणे महाराष्ट्र में है और गुजरात में सानंद में और अन्य भी कई जगह होगा। अगर आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे इनकी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं तो जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। तो टाटा मोटर्स क्या क्या करती है, कॉम्पैक्ट कार, सेडान, एसयूवी और कमर्शियल या आपका व्यवसायिक वाहन बनाती है पुणे महाराष्ट्र में, सानंद गुजरात में और अन्य जगह भी इनके हो सकता है प्लांट खुल गए हों। महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत फेमस नाम है, एसयूवी बनाती है, कॉम्पैक्ट और कमर्शियल भी बनाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के आपने देखे होंगे बहुत सारे, महिंद्रा के आपके ट्रैक्टर्स भी आते हैं, महिंद्रा के आपके और भी बहुत सारे कमर्शियल जो सामान ढोने के लिए मिनी ट्रक्स आते हैं वो भी आने लगे हैं। एसयूवी तो बनाती ही बनाती है। तो ये मुंबई महाराष्ट्र में इनका एक और जहीराबाद तेलंगाना में इनका एक प्लांट है, और भी कहीं हो सकते हैं क्योंकि नए नए डेवलपमेंट ये लोग नए नए यूनिट्स भी खोलते रहते हैं, तो आप और जानकारी करके देख सकते हैं। होंडा मोटर्स, होंडा की कार्स आती हैं, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड, ये होंडा की कार्स आपको मिल जाएंगी, कॉम्पैक्ट कार, एसयूवी और सेडान बनाते हैं। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इनका प्लांट है। इसी तरह से फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फोर्ड की कार पहले बहुत आती थी, अभी आपको कम दिखेंगी छोटी जगहों में, बड़े शहरों में हो सकता है दिख जाए। तो ये हैचबैक सेडान और एसयूवी बनाती है, इनका चेन्नई तमिलनाडु में प्लांट है। इसके अलावा आप और भी हो सकता है इनके प्लांट खुल गए हो कई, जो ऊपर सारी कंपनियों की हमने बात की है, तो वो आप अगर बहुत इच्छुक हैं देखने के कि किस किस इनका और भी कई सारे हो सकते हैं नाम, जो कई नई कंपनियां आजकल मार्केट में लॉन्च हो गई हैं, आने लगी हैं, तो वो भी आप इसमें नोट कर सकते हैं। लेकिन मेन जो जनरली चल रही है वो हमने बताया, निर्माता मारुति सुजुकी लिमिटेड, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सब हमारे आसपास रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड और फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन सबके कारखाने और सब चीज है। इस टेबल को आपको अपनी कॉपी में जरूर बना लेना है। अब बात कर लेते हैं चेसिस की लेटर, चेसिस क्या होता है, उसका लेआउट क्या कहलाता है।
तो चेसिस पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। तो वाहन का वो हिस्सा जिसमें बॉडी नहीं होती है, ऊपर का यानी जो बॉडी है, अगर वो हम वो बॉडी हटा दें तो बाकी जो हिस्सा बचेगा उसमें इंजन भी लगा है, फ्रेम भी है, पहिए भी हैं, टायर भी हैं, गियर बॉक्स भी है, सब कुछ है, वो कहलाएगा आपका चेसिस। तो बॉडी खाली हटा दीजिए तो वाहन का वो हिस्सा जिसमें बॉडी नहीं होती है उसे हम चेसिस कहते हैं। सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यह ऑटोमोबाइल का निचला भाग होता है जिस पर बॉडी को लगाया जाता है। तो ये जनरली जब नया वाहन मिलता है तो चेसिस हमको पूरी मिलती है और वो ऊपर से हम क्या करते हैं उसमें फिर बॉडी को उसको लगाया जाता है। तो चेसिस को वाहन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ये बात कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिए। अब मैं आपको बताता हूं, आते जाते आपने जरूर देखा होगा कि ट्रक है उसमें खाली बॉडी नहीं है, एक शीट यहाँ ड्राइवर की, देखिए ये है ड्राइवर की यहाँ सीट, ये स्टीयरिंग उसके हाथ में खुला बिल्कुल, ट्रक और लिए चले जा रहे हैं लगातार 2, 4, 6, 8, 10 रोड पे दौड़ते, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। वो क्या है, वो चेसेस है जो रोड में बिल्कुल दौड़ने यानी चलने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से सब तैयार है, खाली उसमें क्या लगना है बॉडी। तो बॉडी लग करके वो तैयार होती है, बस बनती है, ट्रक बनता है या जो भी बनाना होता है। तो इस तरीके से बड़े बड़े वाहन आपने सड़क पे दौड़ते देखे होंगे। तो चेसिस जो है तो वो बिना बॉडी का जो हिस्सा है वाहन का उसे चेसिस कहते हैं। इसमें निचला हिस्सा होता है जिसमें बॉडी को लगाया जाता है और इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, चेसिस को ऑटोमोबाइल की। और इस तरीके से आपने देखा होगा, ये देखिए ये आप इस तरीके से चेसिस खड़ी, ये बहुत पुराना चित्र है, यहां से ये देखिए चेसिस पूरी तैयार खड़ी, इनमें बॉडी नहीं लगी है किसी में भी। तो ये चेसिस रेडी यहां पर तैयार आपके सामने खड़ी दिख रही है। तो ऑटोमोबाइल चेसिस वाहन का फ्रेम है, ये इंजन, पहियों, सस्पेंशन और अन्य घटकों को जोड़ता, मतलब सारी चीजें ही मान के चलिए उसमें चेसिस में लगी होती है, खाली बॉडी ऊपर से उसमें लगाना रहता है। चेसिस की लेआउट वह तरीका है जिसमें ये घटक एक साथ रखे जाते हैं। तो चेसिस का लेआउट मतलब इसमें घटकों को रखा कैसे जाता है, जैसे इंजन जो मेन होता है तो इंजन को कहाँ आगे लगाया जा रहा है, कि इंजन बीच में लगा है या पीछे लगा है। तो इंजन के आधार पर हम ये चेसिस को, जैसे ये सिंपल सा चित्र, इस चित्र को आपको अपनी कॉपी में बनाना है तो प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो ये चित्र आप देखिए, यहाँ पर ये व्हील लगे हैं, ये फ्रंट व्हील है, ये आपके पीछे रियर व्हील है। तो ये फ्रंट एक्सल कहलाता है, जो फ्रंट आगे वाला होता है ये रियर एक्सल है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये इंजन दिखाया गया, हरे रंग से इंजन हो गया, क्लच होता है, गियर बॉक्स होता है, यूनिवर्सल ज्वाइंट, जैसे पावर मान लीजिए पीछे देना है, रियर व्हील चलाना है तो यहाँ प्रोपेलर शाफ्ट लगी होगी, ये यूनिवर्सल ज्वाइंट्स हैं और ये पूरा आपका ये फ्रेम कहलाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मिलकर के क्या कहलाता है, चेसिस। तो चेसिस के लेआउट तीन प्रकार के हो सकते हैं, लेआउट का मतलब है चेसिस में इंजन कहाँ लगा है, इंजन फ्रंट में लगा है, मिड में लगा है, बीच में या पीछे लगा है। आगे वाली जितनी कार आजकल आपको दिखती है, आप देखिए बोनट होता है आगे, उसी में इंजन लगा होता है सिंपल सा। तो फ्रंट माउंटेड इंजन वाला हो गया उसका लेआउट। पीछे जो आजकल ऑटो जो थ्री व्हीलर्स आते हैं, पीछे देखिएगा वो पीछे खोलता है तो पूरा इंजन लगा रहता है ऑटो में। ऑटो में आगे तो जगह होती नहीं है, एक पहिया होता है। और कुछ कुछ में ऑटो ऐसी भी आती है जिसमें आगे जहाँ ड्राइवर सीट होता है उसके नीचे आप देखिएगा इंजन उसका लगा रहता है मिड में। तो ऐसे भी कई सारे आते हैं जो फ्रंट माउंटेड, जो कार आप जनरली जानते हैं फ्रंट में होता है इंजन, इंजन चेसिस के सामने स्थित होता है, ये सबसे आम प्रकार का चेसिस लेआउट है। रियर माउंटेड इंजन यानी इंजन पीछे साइड स्थित होता है। तो इंजन क्या है, चेसिस के पीछे स्थित होता है, यह कॉम्पैक्ट और मध्यम आकार के वाहनों में आम है। और मिड माउंटेड इंजन जो होता है वो इंजन चेसिस के बीच में स्थित होता है, बीच में रखा होता है फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल के बीच, आमतौर पर स्पोर्ट्स कारों और सुपर कार में पाया जाता है। ड्राइव के प्रकार अभी मैंने बताया था, ड्राइव तीन प्रकार की होती हैं, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव, ऊपर हमने बात की थी। तो ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए इंजन से शक्ति को पहियों तक प्रेषित करना आवश्यक है, यानी पावर हम ट्रांसफर करते हैं। तो ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन वह तरीका है जिसमें शक्ति को पहियों तक प्रेषित किया जाता है। अब वो फ्रंट व्हील ड्राइव हो सकता है, रियर व्हील ड्राइव हो सकता है या फिर फोर व्हील ड्राइव हो सकता है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, इंजन से शक्ति सीधे आगे के पहियों को प्रेषित की जाती है, तो उसको कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव। फ्रंट व्हील ड्राइव को शॉर्ट में FWD कहते हैं, ये सबसे आम प्रकार का ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन है। FWD वाहन आमतौर पर कॉम्पैक्ट और मध्यम आकार के होते हैं, ये आमतौर पर पीछे के पहियों के साथ वाहन की तुलना में अधिक ईंधन कुशल होते हैं। दूसरा है रियर व्हील ड्राइव यानी RWD, शॉर्ट में इसको लिखते हैं, ये इंजन से शक्ति सीधे पीछे के पहियों को प्रेषित की जाती है, तो उसको कहते हैं रियर व्हील ड्राइव। हो सकता है इंजन आगे लगा हो लेकिन रियर व्हील ड्राइव है तो पीछे के जो पहिए हैं उनको शक्ति ट्रांसफर की जाएगी शाफ्ट की सहायता से। तो RWD वाहन आमतौर पर बड़े और अधिक शक्तिशाली होते हैं। जैसे आप बड़े बड़े आपने देखे होंगे, जैसे बस आप देख लीजिए तो इंजन आप देखिए कहाँ रहता है, लेकिन नीचे आप झांक के देखेंगे तो शाफ्ट यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा होता है और पीछे के पहियों
इंजनों को चलाया जाता है, यानी शक्ति जो दी जाती है पावर वो पीछे के, तो जो बड़े वाहन होते हैं वो जनरली रियर व्हील ड्राइव होते हैं, तो इंजन से शक्ति सीधे कहां पीछे के पहियों को, जबकि इंजन उनका आगे लगा होता है और जो ड्राइव होता है लेकिन वो रियर व्हील ड्राइव होते हैं। तो RWD वाहन आमतौर पर बड़े और अधिक शक्तिशाली होते हैं, ये आमतौर पर FWD वाहनों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव की तुलना में। ऑल व्हील ड्राइव की बात करें, नाम से पता चल रहा है कि शक्ति सभी चार पहियों को प्रेषित की जाती है, और AWD वाहन आमतौर पर खराब मौसम या ऑफ रोड परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन प्रदान करते हैं। जैसे मिलिट्री वाहन जो होती है, मिलिट्री वालों की जीप होती है, तो फ्रंट ऑल व्हील ड्राइव होता है, मतलब उनके चारों पहिए चलते हैं, पावर मिलती है, तो उनको ऊबड़ खाबड़ रेगिस्तान नदी पहाड़ कैसे स्थानों में चलना है, तो चारों पहियों को ताकत मिलती है, तो बहुत चढ़ते चले जाते हैं आसानी से, कहीं भी नीचे ऊपर कहीं भी चले जाते हैं। तो ये फोर व्हील ड्राइव या कई बार ऑल व्हील ड्राइव में, जैसे कई लोग स्पोर्ट्स के शौकीन होते हैं, अपना एडवेंचर करना चाहते हैं, तो उनकी भी ऑल व्हील ड्राइव आते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक वाहनों का परिचय। इलेक्ट्रिक वाहन आप सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन जिसको ICE इंटरनल कंबसन इंजन कहते हैं का एक विकल्प है। भाई आजकल तेजी से ईंधन खत्म हो रहा है, महंगा हो रहा है, प्रदूषण फैला रहा है, तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ, चार्ज करके हम सीधे उसको चला रहे हैं। तो ये विद्युत की मोटर द्वारा संचालित होते हैं जो सीधे बैटरी से शक्ति प्राप्त करते हैं, यानी बैटरियां रखी होती हैं। जैसे आप ई रिक्शा का उदाहरण ले लीजिए, तो ई रिक्शा में क्या होता है, ई रिक्शा में सीधे बैटरियां होती हैं, आप उसको चार्ज कर लीजिए चलने लगती। इसी तरह से आजकल कारें भी आ रही हैं जो सीधे चार्ज होती है। बसें, मैंने आपसे बताया अभी कि बसें चलती हैं सिटी में, आजकल नई नई बसें लॉन्च हो रही, जीरो इमिशन लिखा रहता है और वो चल रही हैं आराम से शहरों में, और जो कनेक्टेड है तो वहां से वहां तक चल रही हैं। तो ये विद्युत की मोटर द्वारा संचालित होती है जो सीधे बैटरी से शक्ति प्राप्त करती है। इसका मतलब है कि जीवाश्म ईंधन नहीं जलाते हैं और इसलिए प्रदूषण का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रकारों की अगर हम बात करें, तो पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन, ये वाहन पूरी तरह से बैटरी द्वारा संचालित होते हैं और ईंधन नहीं भरते हैं। जैसे कार जो आती है इलेक्ट्रिक कार, वो इलेक्ट्रिक से ही चलेंगी, उसमें डीजल पेट्रोल के लिए कहीं जगह नहीं रहेगी, चार्ज होंगी तो उसी से चार्ज होंगी, चलेंगी तो उसी से, तो उनको कहते हैं BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल इनको कहते हैं। या देखिए BEV का फुल फॉर्म होकर आता है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी पूरी तरीके से बैटरी पर डिपेंड होते हैं और ईंधन इसमें नहीं भरा जाता है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, हाइब्रिड जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तो इसमें आंतरिक दहन इंजन भी होता है और इलेक्ट्रिक मोटर भी, यानी इलेक्ट्रिक बैटरी वगैरह सारी लगी रहती, तो ये दोनों का संयोजन या कॉम्बिनेशन होता है। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये वाहन एक आंतरिक दहन इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का उपयोग करते हैं। वे पारंपरिक वाहनों की तुलना में अधिक ईंधन कुशल होते हैं, लेकिन अभी भी ईंधन का प्रयोग उनमें किया जाता है, तो उनको कहते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, HEV उनको शॉर्ट में लिखते हैं। अगला है आपका प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन। प्लग इन का मतलब होता है कि बाहर से आप लगा के बैटरियों को उनकी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड है तो उसमें कहीं ना कहीं आंतरिक दहन इंजन जरूर यूज होता है। तो ये वाहन एक आंतरिक दहन इंजन इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड है तो एक इलेक्ट्रिक मोटर इसमें लगी होगी, बैटरी वाला सिस्टम, लेकिन इनकी बैटरी को, जो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन है, इनको बाहर से आप चार्ज कर सकते हैं, जबकि ये जो ऊपर वाला था, ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, इसमें बाहर से इसको चार्ज नहीं किया जा सकता है, वो उसी से इंटरनली, जब इंटरनल कंबसन इंजन चलता है तो वो चार्ज होते रहते हैं, लेकिन प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, प्लग इन मतलब प्लग लगाकर बाहर से उसको चार्ज करना, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये वाहन एक आंतरिक दहन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का उपयोग करते हैं, लेकिन उनकी बैटरी को बाहरी स्रोत से चार्ज किया जा सकता है। ये BEV यानी बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन की तुलना में अधिक लंबी रेंज प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी ईंधन का प्रयोग किया ही जाता है, क्योंकि हाइब्रिड है तो इंटरनल कंबसन इंजन है ही है, तो उसका भी वो प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों का लाभ आपको पता है कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, भाई कोई उत्सर्जन तो हो नहीं रहा, ईंधन की लागत कम होती है, चार्ज कर लीजिए अपना चलते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, रख रखाव की कम लागत, जनरली कुछ उसमें खराब होते नहीं है, और शांत और आरामदायक ड्राइविंग, ना तो उसमें आवाज होती है, आराम से शांति से चलता है। सरकारी प्रोत्साहन, सरकार तरह तरीके की सब्सिडी देती है, प्रदान करती है कि आप ये इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे चलाएंगे तो हम इतने % की छूट देंगे, सब्सिडी देंगे, तो सरकारी प्रोत्साहन भी मिलता है, सब्सिडी और कम GST दर वगैरह, ये इसके लाभ हैं। पर्यावरण के अनुकूल होता है, ईंधन की लागत कम होती है, रखरखाव की लागत कम होती है, शांत और आरामदायक ड्राइविंग मिलती है, सरकारी प्रोत्साहन मिलता है। चुनौतियां क्या है, रेंज की चिंता आप सभी जानते हैं, जैसे स्कूटी आजकल चलने लगी है इलेक्ट्रिक वाली, लेकिन दूर जाने के लिए आदमी इस्तेमाल नहीं करता, डरता है कि बीच में डिस्चार्ज हो गई तो कहां चार्ज करेंगे, तो रेंज की चिंता रहती है। कुछ लोगों को चिंता है कि EV पर्याप्त दूरी तय नहीं कर, EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो हालांकि प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ इसकी रेंज बढ़ रही है, जैसे मान ली 100 किलोमीटर तक के लिए रेंज है, अब बढ़ा करके और उसमें रिसर्च चल रहा है, तो 200 कर दिया, 150 कर दिया, और बढ़ता जा रहा है कि लंबी दूरी भी लोग तय कर सकें।
चार्जिंग अवसंरचना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह जैसे यहाँ पेट्रोल पंप मिल जाते हैं भराने के लिए, तो चार्जिंग नेटवर्क अभी आपको नहीं मिलेंगे इंडिया में अगर आप ध्यान देंगे ज्यादातर। तो वहां पर फॉरेन में क्या है, कई जगह चार्जिंग पॉइंट अब बनने लगे हैं क्योंकि वहां ज्यादा इस्तेमाल में हो रहा है, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी अभी इसी में चार्जिंग हो सकता है, बड़े शहरों में अब बनने लगे हों, कई जगह बने हों, तो वो यहाँ पर दिक्कत है। तो ये सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन काम चल रहा है, धीरे धीरे उसको विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि बसें आने लगी है तो उनके लिए चार्जिंग पॉइंट बने ही होंगे, तो इस तरीके से इनका चल रहा है। तो यहाँ धीरे धीरे काम हो रहा है, तो यहाँ पर आगे चल करके आप देखेंगे कि बहुत सारे इस तरीके, तो ये चार्जिंग संरचना या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं कमी है। प्रारंभिक लागत की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, प्रारंभिक लागत इनकी अधिक आती है, लेकिन खर्चा है और रखरखाव बहुत कम होता है, क्योंकि ईंधन ज्यादा यूज होता नहीं, तो रखरखाव लागत भी इनकी कम रहती है। तो ये इस तरीके की समस्या है। अब बात कर लेते हैं हाइब्रिड वाहनों की। हाइब्रिड वाहन अभी ऊपर हमने बात किया था कि हाइब्रिड वाहन ऐसे वाहन होते हैं जो सफर के दौरान अपनी शक्ति के लिए आंतरिक दहन इंजन यानी इंटरनल कंबसन इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का प्रयोग करते हैं, यानी उनमें इंटरनल कंबसन इंजन भी होता है और इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी होती है, बैटरी सिस्टम भी होता है, तो दोनों का उपयोग ये करते हैं। तो हाइब्रिड एक तरह से कहें तो हाइब्रिड वाहन दो प्रकार के इंजनों का उपयोग करते हैं, एक तो आंतरिक दहन इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये दोनों इंजन एक साथ मिलकर वाहन को चलाते हैं, जिससे ईंधन की खपत और उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है। हाइब्रिड वाहनों के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स, तो पूर्ण हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, दोनों आईसी यानी इंटरनल कंबसन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का उपयोग करते हैं, लेकिन इनकी बैटरी बाहरी स्रोत से चार्ज नहीं हो सकती है, जो पूर्ण हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर कम गति पर और शहर के यातायात में काम करती है, जबकि आईसी हाईवे पर चलने के लिए काम करती है, इस तरीके का सिस्टम होता है। तो पूर्ण हाइब्रिड यदि इलेक्ट्रिक वाहन है तो ये बाहरी स्रोत से चार्ज नहीं होता है, लेकिन दोनों स्रोत का उपयोग करता है, इंटरनल कंबसन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर भी। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन में क्या होता है, प्लग इन नाम से पता चल रहा है, मतलब बाहर से इसको चार्ज कर सकते हैं प्लग लगा करके, तो ये प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, ये PHEV कहते हैं इनको, ये इनके समान है लेकिन इनकी बैटरी को बाहरी स्रोत से चार्ज किया जा सकता है, तो ये इलेक्ट्रिक मोड में अधिक दूरी तय कर सकते हैं, जिससे ईंधन की खपत और उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। लाभ हाइब्रिड वाहनों के जो लाभ है वो वही मान के चलिए जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ है, कुछ कुछ वही रहते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होता है, ईंधन की इसमें जो है तो कम लागत आती है और शांत और आरामदायक ड्राइविंग मिलती है, सरकारी प्रोत्साहन मिलता है। हाइब्रिड वाहन के लिए चुनौतियां वही, एक तो प्रारंभिक लागत बहुत कम है तो हाइब्रिड वाहन लोग खरीद नहीं पाते हैं, रखरखाव की लागत भी, कई बार हाइब्रिड वाहन है तो दोनों उसमें सिस्टम है तो हर आदमी उसको देख भी नहीं चाहता है, तो मेंटेनेंस बहुत अधिक रहता है, और बैटरी का जीवन जो है, बैटरी की जो लाइफ है वो इसमें जो है तो दिक्कत करती है, जीवन काल समाप्त हो जाता है तो फिर नया लगाना पड़ता है, तो ये सब इसमें समस्याएं आती हैं। अब बात आती है ऑटोमोबाइल्स में ईंधन का नियंत्रण, तो इसमें एक तो ईंधन के नियंत्रण के लिए कार्बोरेटर का नाम आपने सबने सुना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल ही आजकल नया चलने लगा है जिसको कहते हैं ECM। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं हम, वाहन में ईंधन का कुशल और प्रभावी प्रबंधन इंजन के सुचारू संचालन और इष्टतम प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। तो अतीत में यह कार्य कार्बोरेटर द्वारा किया जाता था, कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर उसमें इंजन में सप्लाई करता है, लेकिन अब आधुनिक वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल यानी ECM ने इसकी जगह ले ली है। आइए दोनों प्रणालियों पर एक नजर डाल लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। कार्बोरेटर की यदि हम बात करें तो कुछ इस तरीके से देखने में ये दिखाई देता है, कार्बोरेटर इस तरीके की मैकेनिकल डिवाइस है, देखने से ही आपको समझ में आ रहा है। तो ये अगर सिस्टम कार कैसे करता है, ये देखिए यहाँ से एयर आ रही है और यहाँ से ये फ्यूल सप्लाई होता है, तो जरूरत के हिसाब से दाब के सिद्धांत पर कार करता है, तो जितनी जरूरत होती है यहाँ पर एयर आ करके यहाँ से फ्यूल जा करके दोनों यहाँ मिक्स हो जाते हैं, और यहाँ थ्रोटल वाल्व से फिर यहाँ पर ये जरूरत के अनुसार खुलता है, जब कम जरूरत होती है तो कम सप्लाई होता है, ज्यादा जरूरत होती है तो ज्यादा सप्लाई होता है, तो इस तरीके से जरूरत के अनुसार ईंधन की दोनों का मिक्सचर, एयर और फ्यूल का मिक्सचर, ये क्या करता है, सप्लाई करता है इंजन को। बाकी सारी चीजें आप देख रहे हैं, फ्लोट लगा होता है, फ्यूल सप्लाई है, चोक वाल्व है, एयर आ रही है, थ्रोटल वाल्व है, जेट बनती है, यहां पर दोनों जाकर के वहां पर मिक्स होकर के फिर इंजन में सप्लाई होते हैं। तो यह कार्बोरेटर एक यांत्रिक उपकरण है जो इंजन को हवा और ईंधन का मिश्रण प्रदान करता है। यह वायुदाब के सिद्धांत पर कार्य करता है, जहां इंजन में हवा का प्रवाह ईंधन को एक जलाशय से बाहर खींचता है। जलाशय का मतलब जहां वो फ्यूल टैंक जिसको कहते हैं,
तो वहां पर ईंधन इकट्ठा रहता है, मान लीजिए पेट्रोल, तो वहां से वो दाब क्रिएट होता है, तो वहां से खिंचता है और इसे हवा के साथ मिलाता है, यानी मिश्रण बनाता है। फिर कार्बोरेटर में विभिन्न जेट, वाल्व और स्प्रिंग होते हैं जो ईंधन वायु के अनुपात को विभिन्न स्थितियों के अनुकूल समायोजित करते हैं, यानी उनका अनुपात भी चेंज होता है ना, पेट्रोल और वायु का मिश्रण, कि पेट्रोल कितना किस किस अनुपात में होगा, तो वो भी अनुकूल में, जैसे ज्यादा पावर की जरूरत है, कम पावर की जरूरत है, उसके अनुसार ये अनुपात चेंज होता है। कार्बोरेटर के फायदे क्या हैं? सरल और मजबूत डिजाइन होती है, आसान रख रखाव, कम लागत आती है। कार्बोरेटर के नुकसान क्या है? एक तो ईंधन की दक्षता कम होती है और उत्सर्जन अधिक होता है, आपको पता है वायु प्रदूषण फैलाते हैं, और विभिन्न परिस्थितियों में इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त करना मुश्किल होता है, और ठंडे मौसम में इंजन शुरू करना कई बार स्टार्ट नहीं होता है जिसमें कार्बोरेटर लगा होता है। अब आजकल आने लगा है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल यानी ईसीएम, तो ईसीएम नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सेंसर्स वगैरह हो गए, कंप्यूटर प्रणाली, इन सब का इस्तेमाल करता है। तो ईसीएम एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो इंजन के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है, जिसमें ईंधन प्रबंधन भी शामिल है। तो ईसीएम में बहुत सारे इंजन के कार्यों को ये करती है, और वो जो है उसमें ईंधन का प्रबंधन भी, यानी ईंधन का जो फ्यूल है उसका मैनेजमेंट भी ये करता है। तो ये सेंसर से डाटा प्राप्त करता है, यानी इसमें सेंसर लगे होते हैं जो बताते हैं कि किस क्वांटिटी में कब कब आपको ईंधन की सप्लाई करना है। तो ये इंजन की गति है, वायु प्रवाह है और तापमान है, और इस जानकारी का उपयोग ईंधन को, इंजन को जो है ईंधन की इष्टतम मात्रा प्रदान करने के लिए, ये जटिल एल्गोरिथम एक होता है उसका उपयोग करता है, और उसी हिसाब से सेंसर के द्वारा जो सारा चीजें सेंस करके, जैसे इंजन की गति, वायु प्रवाह और तापमान, इन सबको फिर जरूरत के अनुसार फिर वो क्या करता है, ईंधन सप्लाई करता है। तो इसमें बहुत जटिल एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। तो ईसीएम ईंधन इंजेक्टरों को नियंत्रित करता है जो सटीक रूप से मापकर ईंधन को इंजन सिलेंडर में स्प्रे करते हैं या उसका छिड़काव करते हैं। ईसीएम के फायदे क्या है? कार्बोरेटर की तुलना बेहतर ईंधन दक्षता, कम उत्सर्जन, विभिन्न परिस्थितियों में इष्टतम प्रदर्शन, आसान ठंड शुरू, मतलब ठंड में आसानी से शुरू हो जाता है, और बेहतर इंजन निदान और समस्या का निवारण, ये ईसीएम के बहुत फायदे, न्यू टेक्नोलॉजी है। ईसीएम के नुकसान क्या है? एक तो जटिल और महंगा है इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आइटम है सारा कंप्यूटराइज्ड होता है, तो रख रखाव अधिक कठिन हो सकता है, तो जटिल और महंगा है और रख रखाव अधिक कठिन हो सकता है। ईसीएम के प्रकार, ये तीन प्रकार में हम इसको बांट सकते हैं, 8 बिट ईसीएम सिस्टम, और 16 बिट ईसीएम, और 32 बिट, 8, 16, 32, ये इस तरीके से आता है। तो 8 बिट, ये बिट क्या बता रहा है, ये 8, 16 और 32 में क्या अंतर है, तो ये इनकी प्रोसेसिंग पावर को दिखाता है, यानी 8 बिट का जो होगा उसकी प्रोसेसिंग पावर और जटिलता कम होगी, 16 बिट की 8 बिट से ज्यादा होगी प्रोसेसिंग पावर और जटिलता, और 32 बिट की सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग पावर होगी और जटिलता लेकिन उसकी ज्यादा होगी। तो 8 बिट का जो ईसीएम है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, सबसे सरल और कम लागत वाले ईसीएम है, लेकिन कम शक्तिशाली होते, पावरफुल, इनकी पावर कम होती है और कम जटिल एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं, जबकि जो 16 बिट ईसीएम है ये अधिक शक्तिशाली और जटिल एल्गोरिथम का उपयोग कर सकते हैं, जिससे बेहतर प्रदर्शन और ईंधन दक्षता मिलती है। 32 बिट वाला जो ईसीएम है वो सबसे शक्तिशाली और जटिल ईसीएम है, लेकिन उन्नत सुविधाओं और बेहतर प्रदर्शन की अनुमति देता है। तो 32 बिट वाला सबसे शक्तिशाली होता है लेकिन जटिल होता है इसका जो वो है। तो इस तरीके से ये बिट का मतलब आप समझ गए होंगे, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट, मतलब जितना ज्यादा बिट है वो प्रोसेसिंग पावर, उनकी पावर उतनी ज्यादा होगी लेकिन जटिलता उतनी ज्यादा होगी। तो 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट, तो आजकल जो आधुनिक वाहन है उनमें 16 बिट या 32 बिट की ईसीएम का उपयोग किया जाता है, और प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार के साथ भविष्य में और पावरफुल और परिष्कृत ईसीएम, ये तकनीकें देखने को हमको मिल सकती हैं। अब ये बात आती है ऑटोमोबाइल्स में कैम शाफ्ट तकनीक की, तो इसमें डबल ओवर हेड कैम क्या होती है, सिंगल ओवर हेड कैम क्या होती है, ट्विन कैम 16 वाल्व टेक्नोलॉजी क्या होती है फोर सिलेंडर इंजन में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको सभी पता है कैम शाफ्ट में, कैम शाफ्ट की बात करने से पहले इंजन आप सभी जाते हैं, एक इनलेट वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व जिससे वायु अंदर आती है इनलेट करती है, और एग्जॉस्ट वाल्व जिससे जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं, तो इनको ऑपरेट करने वाल्व होते हैं, इनलेट वाल्व होता है और एग्जॉस्ट वाल्व होता है। तो ये किससे चलते हैं, आपने देखा होगा कैम इसमें लगी होगी, कैम द्वारा चालित होते हैं, और कैम किसमें लगा होता है, कैम शाफ्ट में, तो उसको बोलते हैं कैम शाफ्ट। तो ये उसी की बात हो रही है कि कैम शाफ्ट, एक कैम शाफ्ट इस्तेमाल होगी या दो कैम शाफ्ट इस्तेमाल होगी या फिर दो कैम शाफ्ट के साथ कितने वाल्व इस्तेमाल होंगे, बस वही ये तीनों में अंतर है। तो आंतरिक दहन इंजन यानी कि इंटरनल कंबसन इंजन में वाल्व समय पर खुलते और बंद होते हैं, समय पर इनलेट आया फिर जैसे ही अंदर आया बंद हो गया, फिर जलने के बाद जब गैसें बाहर निकलने तो खुल गया एग्जॉस्ट वाल्व, बाहर निकल गई गैसें, जली हुई गैसें एग्जॉस्ट हो गए, उसके बाद फिर बंद हो गए, तो समय पर खोलना बंद करना जरूरी रहता है। तो आंतरिक दहन इंजन में वाल्व समय पर खुलते और बंद होते हैं,
जिससे वायु और एग्जॉस्ट गैस का प्रवाह नियंत्रित होता है। यह कार कैमशाफ्ट नामक एक शाफ्ट द्वारा किया जाए जिसमें कैम लगी होती है वो कहलाती है कैमशाफ्ट। तो कैमशाफ्ट लोब से युक्त हो तो उसमें एक लोब लगा होता है जो रॉकर आर्म्स या लिफ्टरों को धक्का देते हैं जिससे पुश करते हैं तो बदले में वाल्व को खोलते और बंद करते हैं। आगे अभी मैं चित्र दिखाऊंगा। तो फोर सिलेंडर इंजन में कैमशाफ्ट की तीन प्रमुख तकनीकें होती हैं। सिंगल ओवरहेड काम नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक ही कैमशाफ्ट यूज होती है। SOHC शॉर्ट में इसको कहते हैं। SOHC मतलब सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। ओवरहेड क्या है? इंजन का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको कहते हैं ओवरहेड। आपने देखा हो तो सिंगल ओवरहेड कैम मतलब इसमें एक ही कैमशाफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। DOSC मतलब डबल ओवरहेड कैम, मतलब नाम से पता है डबल का मतलब दो ओवरहेड कैम इस्तेमाल की जाती हैं। और ट्विन कैम 16 वाल्व, ट्विन का मतलब होता है दो, तो ये इसी DOSC का ही एक विकसित रूप है लेकिन 16 वाल्व यूज किए जाते हैं चार सिलेंडर जो उसमें इंजन होता है। तो ट्विन कैम मतलब एक उसमें दो आपके वाल्व इस्तेमाल किए जाते हैं एक वाल्व के स्थान पर। तो सिंगल ओवरहेड कैम, अब आप ये देखिए ये इंजन ना दिखाकर ये देखिए इनलेट वाल्व है ये एग्जॉस्ट वाल्व है तो ये लगे हुए हैं। अब आप देखिए ये कैम लगी है तो यहाँ पर एक ही कैम साफ्ट लगी है और ये देखिए रॉकर आर्म की सहायता से कनेक्टेड है तो ये ऊपर नीचे खुलेगा और बंद होगा इस तरीके से दोनों एक ही कैम साफ्ट के द्वारा। तो इंजन के जो ओवरहेड है वो सिंगल कैम साफ्ट इसमें लगी है इसलिए इसको कहते हैं SOHC यानी सिंगल ओवरहेड कैम साफ्ट। तो इसमें क्या कहते हैं, इस तकनीक में केवल एक कैमशाफ्ट होता है जो सिलेंडर हेड के ऊपर स्थित होता है। यह कैमशाफ्ट दोनों इंटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों को नियंत्रित करता है। एक ही है लेकिन नियंत्रित दोनों को कर रहा है, किसके द्वारा? रॉकर आर्म के द्वारा या लिफ्टर के माध्यम से। तो SOHC इंजन आमतौर पर सरल और कम लागत वाले होते हैं लेकिन वे अक्सर कम शक्तिशाली होते हैं और उच्च RPM पर कम कुशल होते हैं। यदि ज्यादा स्पीड से चलाना है तो उनकी कुशलता में कमी आ जाती है। डबल ओवरहेड कैम देखिए DOHC, इसमें देखिए अलग अलग, देखो इनलेट वाल्व के लिए अलग लगा हुआ है और एग्जॉस्ट वाल्व के लिए अलग लगी। तो एक ये कैमशाफ्ट, एक कैम ये है, दूसरी कैम ये है, तो एक कैमशाफ्ट ये दूसरी कैमशाफ्ट, तो ये डबल हो गई। तो डबल ओवरहेड कैम इसको हम कहते हैं DOHC। तो इसमें क्या किया जाता है, दो कैमशाफ्ट का ओवरहेड कैमशाफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए इनलेट वाल्व और ये एग्जॉस्ट वाल्व, ये देखिए अलग अलग, तो एक कैमशाफ्ट ये है दूसरी कैमशाफ्ट ये लगी है। तो इसमें दो कैमशाफ्ट ओवरहेड, ओवरहेड मतलब ऊपर साइड, इंजन के ऊपर साइड दो कैमशाफ्ट का यूज किया जाता है इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने और बंद करने के लिए, इसलिए इसको कहते हैं डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट। तो इस तकनीक में दो कैमशाफ्ट होते हैं जिनमें से एक सिलेंडर हेड के ऊपर इंटेक वाल्व को नियंत्रित करता है और दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व को नियंत्रित करता है। DOHC इंजन अधिक जटिल और महंगे होते हैं लेकिन वे आमतौर पर SOHC यानी सिंगल ओवरहेड जो एक कैमशाफ्ट है उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली और उच्च RPM पर अधिक कुशल होते हैं। यानी SOHC की तुलना में DOHC डबल ओवरहेड वाला अधिक कुशल और शक्तिशाली होता है। DOHC लेआउट बेहतर वायु प्रवाह और निकास प्रवाह की अनुमति देता है जिससे इंजन को अधिक हवा लेने और अधिक शक्तिशाली रूप से दहन में मदद मिलती है। अब है ट्विन कैम 16 वाल्व, ट्विन कैम, अब इसमें देखिए ट्विन का मतलब दो कैम साफ्ट, तो ये दो तो यूज हो रही हैं लेकिन वाल्व भी 16 लगे हुए, 16 वाल्व इस्तेमाल कैसे किया जाता है इसको हम देख लेते हैं। तो ये हम कहें ट्विन इसमें लिखा है, तो ट्विन DOHC तकनीक का एक विशेष संस्करण है जिसमें प्रत्येक सिलेंडर में चार वाल्व होते हैं, दो इनटेक और दो एग्जॉस्ट। प्रत्येक सिलेंडर में चार सिलेंडर होते हैं तो एक सिलेंडर में चार वाल्व हुए तो चार सिलेंडर में 4 × 4 = 16 वाल्व। तो दो इनटेक के लिए होते हैं, दो एग्जॉस्ट के लिए। तो प्रत्येक सिलेंडर में चार वाल्व होते हैं, चार वाल्व कैसे, इनटेक के लिए 2 वाल्व और 2 वाल्व एग्जॉस्ट के लिए। तो एक सिलेंडर में चार हो गए तो 4 सिलेंडर में 16 वाल्व हो गए, इसलिए इसको कहते हैं ट्विन और 6 वाल्व आपका सिलेंडर 16 वाल्व टेक्नोलॉजी, ट्विन कैम 16 वाल्व टेक्नोलॉजी। तो DOHC क्यों, क्योंकि इसमें दो कैमशाफ्ट यूज होती है लेकिन एक सिलेंडर में चार आपके वाल्व यूज होते हैं, दो इनटेक वाल्व और दो एग्जॉस्ट वाल्व। तो अधिक वाल्व इंजन को और अधिक हवा लेने और निकालने की अनुमति देते हैं जिससे और अधिक शक्ति और बेहतर प्रदर्शन मिलता है। ज्यादा वाल्व हैं तो ज्यादा मात्रा में हवा ले सकते हैं और ज्यादा वाता एग्जॉस्ट निकाल सकते हैं, तो ज्यादा पावरफुल इंजन की जब जरूरत होती है बेहतर प्रदर्शन की तो ये 16 वाल्व टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्विन कैम 16 वाल्व इंजन आमतौर पर उच्च प्रदर्शन वाले वाहनों में पाए जाते हैं और सबसे जटिल और महंगे कैमशाफ्ट सिस्टम में से एक है। तो ये नवीन
नवीन टेक्नोलॉजी है, ज्यादा पावरफुल जो इंजन की जहां जरूरत होती है 4 सिलेंडर में, और बहुत महंगे भी होते हैं, जहां प्रदर्शन हाई परफॉर्मेंस की आवश्यकता होती है वहां पर ये ट्विन कैम 16 वाल्व 4 सिलेंडर इंजन में इस्तेमाल किया जाता है इस तकनीक का। तो ये ट्विन कैम 16 वाल्व टेक्नोलॉजी, ट्विन कैम मतलब दो कैम साफ, DOSC का ही एक विशेष संस्करण है जिसमें बस एक सिलेंडर में 4 वाल्व होते हैं, 2 इनटेक के लिए 2 एग्जॉस्ट के लिए, तो इस तरह से 16 वाल्व इस्तेमाल होते हैं, तो इसको कहते हैं ट्विन कैम 16 वाल्व टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से आपने देखा पॉइंट वाइज हमने पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कवर किया, यही सारे पॉइंट्स आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, समझ में आपके आ गया होगा मुझे पूरा विश्वास है, और आपको उन्हीं को रिवीजन करते रहना है, परीक्षा में रिवीजन करके जाना है, और आगे के लिए भी ये नोट सहेज करके रख लेना है ताकि जब आप उच्च शिक्षा के लिए जाएं तो आपको पढ़ने में और समझने में कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना काफी है, इसी स्ट्रेटजी के साथ नेक्स्ट हम वीडियो चैप्टर्स में आपके सामने में आता रहूंगा, नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में फिनिश करेंगे, इसी तरह से पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का दिन मंगलमय हो।